एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान उसे आकर चुरा लेता है, क्या तुमको बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने क्या बोला? देखिए, मधुमक्खी बोली कि इंसान केवल मेरा शहद चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, लेकिन आपका जो हुनर है उसको नहीं चुरा सकता है। तो अपने हुनर को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 22 जून के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे। देखिए, आज के जितने भी करेंट अफेयर हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। और देखिए, आप 2020 के जनवरी से लगाए दिसंबर तक के सभी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसको डाउनलोड करके पढ़ डालिए क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन लगे हुए हैं बैक टू बैक। देखिए, पहला प्रश्न आज का कि अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सोलस्टिस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून को मनाया जाता है। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है साल का और इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो 21 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये दिन जो आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव वाला, ये दिन विश्व और कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प A/RES/73/300 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस की घोषणा की गई थी। और देखिए, संक्रांति एक साल में दो बार मनाया जाता है, एक बार जून में होता है आपका और दूसरा दिसंबर में होता है। तो देखिए, जो आपका 21 जून का दिन होता है, ठीक है, तो गर्मियों की संक्रांति इसी समय 21 जून को मनाई जाती है, जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और ये गर्मियों का प्राथमिक दिन होता है, इसीलिए इसे वर्ष का सबसे लंबा दिन भी कहते हैं। और एक आता है आपका 21 दिसंबर सर्दियों वाला, ठीक है, तो 21 दिसंबर जिसको आमतौर पर शीतकालीन संक्रांति कहते हैं, ये जो है साल का सबसे छोटा दिन होता है और ये सर्दियों का प्राथमिक दिन होता है। ये सारी जानकारी जो है बहुत ही यूनिक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है आज का कि विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व संगीत दिवस को हम 21 जून को हर साल मनाते हैं। और देखिए, 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन विश्व संगीत दिवस की स्थापना फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार, संगीत पत्रकार, रेडियो निर्माता, कला प्रशासक और उत्सव आयोजक मॉरिस फ्लेरेट के द्वारा की गई थी। तीसरा, कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये ईरान के पुराने राष्ट्रपति थे हसन रूहानी, लेकिन उनका स्थान जो है अभी इब्राहिम राइसी ने ले लिया है। इन्होंने ईरान में राष्ट्रपति के पद का चुनाव जीत लिया है। तो अपने दिमाग में जो है बिल्कुल फिट कर लीजिए कि इब्राहिम राइसी जो है ये इन्होंने 2021 का ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। और देखिए, हाल ही में इन्होंने जो ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें 62% जो है वोट हासिल किए। और देखिए, जो आपके इब्राहिम राइसी हैं, इन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए अगस्त 2021 में हसन रूहानी का स्थान जो है मतलब ये अगस्त 2021 में हसन रूहानी का स्थान लेंगे और इनके 4 साल का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ आपको क्या पता चली कि ईरान के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है 4 सालों का, और दूसरा इब्राहिम राइसी का कार्यकाल कब शुरू होगा, ये जो है अगस्त 2021 में शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये इस वक्त पर हसन रूहानी का स्थान लेंगे। देखिए, जो आपके इब्राहिम राइसी हैं इनके बारे में एक यूनिक जानकारी ये है कि ये मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी ये राष्ट्रपति बन गए हैं। और ईरान की बात करें तो देखिए, ईरान जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, कैपिटल तेहरान है, करेंसी है ईरानियन रियाल। ईरान की जो सुप्रीम लीडर का नाम है अली खामेनी, इनका जो है हाल ही में पिछले साल एक एग्जाम में जो है नाम पूछा गया था। तो ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? अली खामेनी हैं। और ईरान की पॉपुलेशन है 8.29 करोड़ और ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन यानी कि फारसी है। चौथा प्रश्न, कि हाल ही में किस व्यक्ति को विश्व बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया।
और आपको बता दूं जो आपका ये समूह बनाया गया है विश्व बैंक और IMF के द्वारा, ठीक है, तो इसका जो गठन है ये विश्व बैंक और IMF के द्वारा COVID-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया है। और इस समूह का जो नेतृत्व है ये संयुक्त रूप से मारी पांगिस्ट्रू और सेला पझार बिसियोग्लू और लार्ड निकोलस टर्न करेंगे। और पांचवा प्रश्न है कि जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसको दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है। देखिए आज की जितनी भी नियुक्तियां वगैरह हुई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर जो है एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और देखिए जो मैं डेली अपलोड करता हूँ वीडियो 1 मिनट वाला, उसको जरूर देख लीजिए, दूसरे वाले चैनल पर हमारे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, इनको एक बार दोबारा के मतलब इसी पद के लिए चुन लिया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अभी हाल ही में 18 जून 2021 को पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं एंटोनियो गुटरेस, इनको फिर से जो है दोबारा संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना है। इनका जो दूसरा कार्यकाल होगा ये 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रेड अप के सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे MBPSC हो, चाहे IAS हो, तो आप जो है सभी राज्यों के PCS की जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं एक्सपर्ट के द्वारा उसको ज्वाइन कर लीजिए, उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, कोड हमारा है eGuru50, ठीक है, तो eGuru50 यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी कोर्सेज में। और ये सभी जो है देखिए इंडिया का सबसे बेस्ट अगर कहा जाए जो स्टडी मटेरियल ये आपका ग्रेडर प्रोवाइड कर रहा है इस समय, और मेरे भी कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे उसमें। छठवां प्रश्न की फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है किसने जीता है, तो देखिए फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और देखिए जो ये Formula 1 रेस थी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021, ठीक है, तो इसमें नीदरलैंड के जो रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपेन पहले स्थान पर है यानी कि विनर रहे हैं। इसमें जो आपके लुइस हैमिल्टन है जो कि ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर हैं दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर इसमें सर्जियो पेरेज रहे हैं जो कि मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। सातवां प्रश्न की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस तिथि तक जो है आधार को पैन से लिंक नहीं करने पर पैन को निष्क्रिय करने की घोषणा की है, तो देखिए बहुत दुखद खबर है ये। अगर आप 30 जून 2021 तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निरस्त कर देगा कौन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है आपको। तो अभी समय है आप जो है अपने पैन को आधार से लिंक करवा लीजिए। देखिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234H के अनुसार जिसे हाल ही में बजट 2021 के दौरान पेश किया गया था उसमें बताया गया है कि अगर पैन कार्ड 30 जून 2021 के बाद आधार से नहीं जुड़ा है तो उन्हें निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा, साथ ही ₹1,000 का जुर्माना भी लगेगा आप पे, और दूसरी ओर व्यक्ति को बिना पैन कार्ड वाला व्यक्ति माना जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं रहेगा तो आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे KYC वगैरह के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर आप पैसे निकालते हैं तो जो बैंकर्स होता है वो क्या कहता है कि अगर आपको इतना मतलब हैवी अमाउंट निकालना है तो आप पैन कार्ड दिखाइए हमको, ठीक है, कि आप इस पैसे का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो आप उसमें उसको डिटेल वगैरह देते हैं। तो पैन कार्ड ना होने की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, 2 से 3 महीने लग जाते हैं दूसरा दोबारा पैन कार्ड बनाने में। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पैन कार्ड देखिए ज़िंदगी में एक ही बार बनता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, ठीक है, तो आपकी जो KYC यानी कि नो योर कस्टमर की स्थिति है ये बैंकों में असामान्य हो जाएगी, क्योंकि किसी के KYC के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है बैंकों में। और एक निष्क्रिय पैन कार्ड का किसी के बैंक खाते पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो खाता बिना पैन कार्ड वाला खाता बन जाएगा, और उस स्थिति में यदि बैंक खाता धारक ₹10,000 से अधिक की बचत पर ब्याज लेता है तो TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की कर जो दोगुनी है मतलब दर जो है दोगुनी अर्थात 20% देनी पड़ेगी उसको, और पैन कार्ड वाले बैंक खाते पर TDS 10% है वर्तमान में, ठीक है, तो 10% जो TDS लग रहा है वो 20% हो जाएगा, यानी कि टैक्स डिडक्शन सोर्स पर जो है दोगुनी अर्थात 20% जो आपको मतलब जो दे है वो देनी पड़ेगी। तो पैन कार्ड वाला भैया अपना बनवा लीजिए नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और आठवां प्रश्न की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किसको जो है भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। देखिए वर्तमान में भारत का जो सबसे योग्य रहने का शहर ये कौन सा है, बेंगलुरु है, ऐसा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बताया गया है।
देखिए बेंगलुरु तो इज आप लिविंग इंडेक्स में पहले स्थान पर है, इसके बाद फिर आपका दूसरे स्थान पर चेन्नई, तीसरे पर शिमला, चौथे पर भुवनेश्वर, पांचवें स्थान पर आपका मुंबई है। तो ये टॉप 5 शहर हैं रहने के योग्य, ठीक है। और देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो है ये भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नाम की रिपोर्ट का एक हिस्सा है और इसको सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा जारी किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, बेंगलुरु है, उसके बाद फिर चेन्नई है, फिर शिमला है, फिर भुवनेश्वर है, फिर मुंबई है। 9वां प्रश्न है कि द नटमेग्स कोर्स पैरेबल फॉर द प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नटमेग्स का मतलब क्या होता है, जो आपका जायफल होता है, ठीक है। आपने मसाले देखे होंगे किचन में, अपने जो मसाले आते हैं खड़े मसाले, उसमें एक इस सुपारी टाइप का जो है एक मतलब उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है, तो इसी को हम कहते हैं जायफल कहते हैं। ये खाने में टेस्ट लाता है, बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। तो इसी जायफल को लेकर देखिए बहुत महंगा बिकता है, तो इस पर किताब लिखी अगर अमिताभ घोष जी ने तो कुछ इसका महत्व तो होगा ही। तो ये जो पुस्तक है जिसका नाम है द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, ठीक है। तो इसको जॉन मुर्रे के द्वारा प्रकाशित किया गया है और ये पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से आज जो है दुनिया पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बात करती है। 10वां प्रश्न की सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत 120वें स्थान पर है। और देखिए जो आपका ये सतत विकास रिपोर्ट है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो इसके द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6वें संस्करण के अनुसार भारत 60.1 के स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर है। और देखिए स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड जो है इस सूची में सबसे ऊपर है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, उसको लाइक कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, पहला प्रश्न आपका है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है बताइए, और दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसकी थीम भी बता दीजिए जो मैंने आपको कल बताई थी कि किस थीम के साथ भारत में इसको सेलिब्रेट किया गया। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में खबरों में रही वरुणा और 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर बहती है बताइए। और चौथा कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया बताइए। और पांचवा कि जून 2021 में हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता लॉन्च किया है बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों में। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले जाम्बिया के राजनेता केनेथ काउंडा का निधन हो गया है। तो देखिए ये जाम्बिया के ही नेता थे, प्रश्न में ही ये इंक्लूड है। तो जो जाम्बिया के राजनेता थे केनेथ काउंडा, जो कि जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्य किया था, उनका निधन हो गया। और दूसरा था कि राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 19 जून को मनाते हैं। और तीसरा था कि संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 19 जून को ही मनाया जाता है। चौथा था कि हाल ही में किस महान भारतीय धावक का निधन हो गया, तो ये थे आपके मिल्खा सिंह जी। और पांचवा था कि हाल ही में ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है, तो इनका नाम क्या है, युवराज सिंह। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के वीडियो के साथ। तो जय हिंद जय भारत।